जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व महिला का शव मिलने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का सगा भाई निकला हत्यारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके पास से हत्या में उपयुक्त अवैध शस्त्र को बरामद किया गया है। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि थाना रजपुरा क्षेत्र में 25 नवंबर को एक महिला का शव मिला था, जिसमें पिता की तहरीर पर एक परिचित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच पड़ताल में पाया गया कि महिला की हत्या उसके भाई अमित कुमार ने की है, जिसकी कॉल रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड घटना के समय की प्राप्त हुई है। एसपी ने बताया कि महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ में रह रही थी। इसी बात से नाराज होकर उसके भाई अमित ने महिला की तमंचे की पट से उसके सर में मारकर एवं रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। अब महिला के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से अवैध तमंचा, मृतक का पर्स जिसमें 2530 रुपये एवं पैन कार्ड, एक बाइक बरामद की है। विधिक कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है। रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज के पास में 25 तारीख को एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके सिर पर तथा गले पर चोट के निशान थे। लड़की के पिता की तहरीर पर उसके जानने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया था। मामले में जब पुलिस की तरफ से विस्तृत जांच की गई तो इसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिनसे यह सिद्ध हुआ कि लड़की की हत्या लड़के के भाई अमित कुमार ने की है। इस मामले में अमित कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार के और लड़की के मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया गया और उसमें ऑडियो क्लिप भी मिली है, जिसमें घटना के समय मारते समय की ऑडियो है, जिससे लड़की के चिल्लाने और उसके बचाने की जो उसका प्रस्तावना थी उसकी आवाज़ आ रही है। इसी आधार पर आला कत्ल, जो सिर पर चोट करके हथियार से मारा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।